हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा गैजेट दिखाने वाले हैं जो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। ठीक है, तो एक चलिए देख सकते हैं। इसमें दो स्पीकर भी लगे हैं, लाइट भी है, आप सुन सकते हैं। ठीक है, ये आपका स्पीकर हो गया, बहुत ही मस्त साउंड है। और यहाँ पर आपका देख सकते हैं लाइट भी है, देख सकते हैं बहुत ही लाइट, तगड़ा लाइट है। ठीक है, एकदम चकाचक लाइट है। और यहाँ से जो ब्लूटूथ स्पीकर की साउंड है वो भी A1 क्वालिटी है। ठीक है, इसको बनाने में बहुत टाइम और बहुत मेहनत लगा दोस्तों। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो यहाँ पर मैंने PVC पाइप जो होती है, यहाँ पर उस PVC पाइप के टुकड़े को ले लिया है जो मेरा एक्स्ट्रा रखा हुआ था। और यहाँ पर मैंने बॉक्स, जो इलेक्ट्रिक बॉक्स होते हैं, इसके ऊपर जो एक ढक्कन जो कवर आता है उसको मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर PVC पाइप को यूज़ कर रहा हूँ। इसको इसी के हिसाब से काट लेते हैं, जो लेंथ है उसका। जब हम इसको हीट करके मोड़ देंगे तो ये बहुत पूरे बोर्ड पर कवर कर लेगा। ठीक है, इसे हम काट लेते हैं। उसके बाद इसे हीट करके हम इसको पूरा सीट बना लेंगे इसको। और उसके बाद यहाँ पर हम एक स्पीकर के नापी का, इसको हम फुल पैक करने वाले हैं स्पीकर को, तो उसी के हिसाब से हम इसे काट लेते हैं थोड़ा बड़ा करके। तो ये मेरा कट गया इसी, और इसके साथ ये तो पूरा पैक रहेगा। और मैं जो दूसरा स्पीकर लगाने वाला हूँ वो थोड़ा, वो मेरा खाली रहेगा। ठीक है, इसको लगाऊंगा मगर इसके पीछे जो पैक करने वाला हूँ वो पैक में ही रहेगा मेरा यहाँ पर। चलिए हम इसे घिस के इसे अच्छा से बना लेते हैं गोल। देख सकते हैं यहाँ पर एक मेरा स्पीकर यहाँ पर रखने वाला है और दूसरा स्पीकर है, देख सकते हैं, आपको दिखाते हैं। ये ये मेरा ओपन वाला रहेगा और ये मेरा कवर वाला, जो पूरा स्पीकर इसमें अंदर समा जाएगा और इसमें हम कवर कर देंगे इसको। तो इसका साउंड कुछ अलग रहेगा, उस खुला वाला का साउंड कुछ अलग रहेगा। तो यहाँ पर मैंने वो जो सीट काटी थी बड़ी वाली, तो उस सीट को मैंने यहाँ पर जो नाइफ कटर होती है, हीट नाइफ कटर होती है, उसके सहायता से मैंने इसे गोल काट लिया है। ठीक है, और इससे यहाँ पर मैंने स्विच का जगह बना दिया है, एक लाइट भी लगाने वाला है यहाँ पर हम। अब देख सकते हैं यहाँ पर एक स्विच का है जगह और दो स्पीकर का जगह दिया हुआ है। एक स्विच से मेरा दोनों स्पीकर का कंट्रोल होगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर अब इसे यहाँ पर बैठा लेते हैं अच्छी तरह से। इसी तरह करके दूसरा वाला भी हम इसी तरह करके बैठा लेंगे। यहाँ पर गैप नहीं रहना चाहिए, फुल टू टाइट रहना चाहिए। ठीक है, नहीं तो साउंड का क्वालिटी नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर मैंने दोनों को, और जो मेरे यहाँ पर गैप दिख रहा है, यहाँ पर मैं ग्लू से इसको कवर कर दूंगा। पहले मैं यहाँ फेविक्विक लगा के इसे अच्छी तरह से चिपका लेते हैं ताकि ये टाइट रहे। तो आप यहाँ पर फेविक्विक या फिर इंस्टेंट ग्लू कोई भी चीज़ यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फेविक्विक यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर ग्लू से जो साइड में मेरा होल्स दिख रहा है, छोटे बड़े हो गए हैं क्योंकि मैं यहाँ ड्रिल मशीन का यूज़ तो नहीं किया हूँ, यहाँ पर मैं हाथ से ही काटा हूँ। जो चीज़ मैंने यूज़ किया है वो आपको प्रॉपर घर में मिल जाएगा, कुछ ज़्यादा चीज़ में मैंने हैवी मशीन कुछ भी यूज़ नहीं किया है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये USB सॉकेट में लगाने वाला हूँ यहाँ पर, जो चार्ज होगा मेरा यहाँ से। ठीक है, यहाँ इसके लिए मैंने होल कर लिया पहले से। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पूरा जो कवर है उसको पूरा अच्छी तरह से इसे ग्लू से कवर कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर दोनों स्पीकर को पहले यहाँ पर लगा के आपको दिखा देते हैं कि कैसे लगाना है। ठीक है, मैंने ये जो बनाया है तो पहले मैं यहाँ पर एक स्पीकर को लगाने वाला हूँ यहाँ पर। ये स्पीकर मेरा फुल कवर रहेगा। ठीक है,
या इससे मैंने इसलिए दिया है क्योंकि ये पूरा टाइट रहे, एकदम हिले डुले नहीं स्पीकर, इसीलिए मैं यहाँ पर पैक कर दिया हूँ इसे। और इसके बाद इससे पहले मैं फेविक्विक से इसको चिपकाऊँगा, उसके बाद फिर ग्लू से इसे सील कर दूँगा। तो यहाँ पर मेरा ग्लू से पूरा सील हो चुका है। उसके बाद मैं सेकंड वाले स्पीकर है वहाँ पर पे फिर से उस स्पीकर को, ये मेरा पूरा पैक रहेगा, वो जो स्पीकर है ये मेरा थोड़ा ओपन पीछे साइड जो है ओपन रहेगा, ठीक है। इसका साउंड का क्वालिटी और उसका साउंड का क्वालिटी कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा, ठीक है। तो चलिए ये मेरा पैक हो चुका है, यहाँ पर मैं दूसरा स्पीकर को लगा लेता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर मेरा दूसरा स्पीकर भी लग चुका है इस तरह। उसके बाद मैं यहाँ पर बैटरी का कनेक्शन करने वाला हूँ, तो जो तो देख सकते हैं ये मेरा पूरा कनेक्शन हो चुका है और ये मेरा प्रॉपर सील भी हो चुका है ग्लू से। और इसके बाद यहाँ पर मैं स्विच को, और ये देख सकते हैं दोनों स्पीकर मेरा इस तरह से लग चुका है, दोनों से वायर मैंने यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव का थोड़ा ध्यान रखिएगा, स्पीकर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव का होता है तो जिससे हनाहनाहट की साउंड नहीं आती है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव आप देख के कीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एम्पलीफायर बोर्ड और ये मेरा ब्लूटूथ बोर्ड है, ठीक है, जो मॉडल बोलते हैं एम्पलीफायर मॉडल ब्लूटूथ मॉडल, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं एल आउट लिखा हुआ है, ग्राउंड लिखा हुआ है और आर आउट लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 वोल्ट दिया हुआ है। और ये तीनों वायर जो है यहाँ पर मेरा यहाँ पर एल टी आर है जो यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर प्रॉपर मैं आपको सर्किट डायग्राम में आपको समझा दूंगा, तो आप रफली यहाँ पर समझ जाइए, ठीक है। यहाँ पर 5 वोल्ट जो मैंने यहाँ पर निकाला है दोनों को पैरेलली कनेक्शन करके, मैंने यहाँ पर 5 वोल्ट दोनों को एक ही साथ चल जाएगा मेरा। आप देखिए इस स्पीकर का आउट दिया हुआ है, ये मेरा चार्जिंग मॉड्यूल है देख सकते हैं, ये मेरा चार्जिंग मॉड्यूल है देख सकते हैं। यहाँ पर बी प्लस और बी माइनस जो यहाँ पर मेरा बैटरी का कनेक्शन होगा, जो आउट माइनस आउट प्लस दिया यहाँ पर मेरा, और जो आप सोर्स देने वाले हैं उसमें कनेक्शन होगा। चलिए हम कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं यहाँ पर कैसे कनेक्शन करना है। यहाँ पर मैं जो चार्जिंग सॉकेट है, जो यूएसबी सॉकेट है, यहाँ पर मैं चार्जिंग जो यहाँ से होने वाले जो बाहर से जो आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, इस चार्जिंग सॉकेट को जो चार्जिंग मॉड्यूल में दिया हुआ है आप उसे भी यूज़ करते हैं, मैं इसे यूज़ नहीं करने वाला हूँ, तो ये बाहर से मैं इसे लगाने वाला हूँ। और यहाँ पर मैं जो प्लस आउट और प्लस माइनस आउट है वहाँ पर मैं यहाँ पर कनेक्शन होगा, ठीक है, देख सकते हैं इसमें आप प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं बैटरी का कनेक्शन करने वाला हूँ, बैटरी का कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन होगा, सीरीज में मत कीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पैरेलली कनेक्शन कर दिया है पॉजिटिव ये नेगेटिव में। और उसके बाद मैं स्पीकर का कनेक्शन करने वाला, यहाँ पर भी आप प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा, ठीक है, प्लस को प्लस में माइनस को माइनस में आप यहाँ पर सोल्डिंग कीजिएगा। मैंने दोनों को प्लस माइनस को ध्यान में रखे हुए सोल्डिंग कर देना है दोनों को,
गाइस थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ सकती है, तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये गांव है, मुर्गा बकरी उकरी का सबका आवाज़ आपको मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने एक स्विच को, जो मेरा यहाँ पर जो स्पीकर है ब्लूटूथ स्पीकर, ये कंट्रोल करेगा मेरा स्विच, ठीक है। यहाँ से ऑन ऑफ का स्विच मैंने इसे लगा दिया है, ये आप इसके आप टाइटली कस दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मेरा कनेक्शन लगभग हो चुका है। यहाँ पर मैंने जो बी माइनस और बी प्लस, यहाँ पर मैंने बी माइनस और बी प्लस जो दिया हुआ है, यहाँ पर मेरा बैटरी का कनेक्शन होगा वहाँ पर। ये मेरा ये बैटरी का माइनस है, तो माइनस को मैं यहाँ पर जो चार्जिंग मॉड्यूल है वहाँ पर कनेक्शन करना है बी माइनस में, और ये से बी प्लस में, और बैटरी का पॉजिटिव को बी प्लस में कनेक्शन कर देना है। और यहाँ पर एक लाइट भी लगाने वाला हूँ मैं, तो लाइट का भी कनेक्शन इस तरह यहाँ से एक होल बना देंगे, जो लाइट का कनेक्शन हम यहाँ से कर लेंगे। ये दोनों वायर मेरा जो पॉजिटिव और नेगेटिव है यहाँ पर निकाल देंगे हम, और इसके बाद लाइट को लास्ट में हम सोल्डिंग कर देंगे। यहाँ पर एक लाइट के लिए स्विच को मैंने यहाँ पर जोड़ा है, तो इसे हम डायरेक्टली बैटरी से कनेक्शन लेंगे। लाइट का नेगेटिव पार्ट को हम डायरेक्ट बैटरी का नेगेटिव पार्ट से लेंगे, और पॉजिटिव को मैं पॉजिटिव से ले होते हुए यहाँ पर जो स्विच से होते हुए हम लाइट तक पहुँचाएँगे, ठीक है। एक लेग स्विच में, दूसरा लेग लाइट में रहेगा, एक लेग बैटरी में रहेगा, एक लेग लाइट में रहेगा, ठीक है। तो इसमें मेरा ऑन ऑफ होगा, पॉजिटिव लेग को ही आप अब देख सकते हैं। ये मेरा चार्ज जो लाइट है एलईडी स्ट्रिप का, ये मेरा नेगेटिव पार्ट को यहाँ पर मैं यहाँ पर सोल्डिंग कर देता हूँ। नेगेटिव को नेगेटिव में, आप पॉजिटिव को पॉजिटिव में, ये डायरेक्ट कनेक्शन होगा, ठीक है, डायरेक्ट स्विच से होते हुए। और ये मेरा पॉजिटिव का है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर चार्जिंग मॉड्यूल है वहाँ पर मैंने कनेक्शन कर दिया, पॉजिटिव जो बी बैटरी का बी है वहाँ पर वो कनेक्शन करना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने कनेक्शन किया है स्विच से, एक लेग मेरा स्विच का जो चार्जिंग मॉड्यूल है, आप देख सकते हैं चार्जिंग मॉड्यूल का जो आउट है प्लस आउट में, वहाँ से कनेक्शन होते हुए मेरा चार्जिंग मॉड्यूल से कनेक्शन होते हुए मेरा एक देख सकते हैं स्विच का एक लेग में आएगा, और दूसरा लेग में होते हुए मेरा यहाँ पर एम्पलीफायर मोड का में जो प्लस है 5 वोल्ट का प्लस में वहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा स्विचिंग का काम होगा, यहाँ पर ऑन कीजिएगा तो ऑन होगा, ऑफ कीजिएगा तो ऑफ होगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा चार्जिंग मॉड्यूल है, और ये मेरा यूएसबी सॉकेट है, ठीक है। यहाँ पर मेरा बैटरी लगा हुआ है, यहाँ पर ब्लूटूथ बोर्ड है, यहाँ पर एम्पलीफायर बोर्ड है, यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच है मेरा, और यहाँ पर 2 स्पीकर लगा हुआ है मेरा, ठीक है। आपका कनेक्शन दिखाते हैं यहाँ पर, यहाँ पर LGR लिखा हुआ है, यहाँ पर LTR लिखा हुआ है, या सिंपल से L से L कनेक्शन करना है, G से T में, और R से R में कनेक्शन करना है। और इसको जो एम्पलीफायर बोर्ड का और ब्लूटूथ बोर्ड का है, जो ये माइनस को माइनस में, प्लस को प्लस में कनेक्शन कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो स्पीकर है, स्पीकर में भी प्लस माइनस रहता है, ठीक है, तो इसको प्लस माइनस में ही जोड़ना है, नहीं तो इसमें थोड़ी सनसनाहट की आवाज़ आती है, ठीक है। प्लस माइनस जोड़िएगा तो कोई सनसनाहट की आवाज़ नहीं आती है, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ से जो माइनस का कनेक्शन है, यहाँ से हम एक वायर यहाँ इसका जो चार्जिंग मॉड्यूल है, चार्जिंग मॉड्यूल का माइनस पॉइंट में जो आउट लिखा हुआ है, ठीक है, वहाँ पर कनेक्ट करना है जो आउट का, ठीक है। और एक जो पॉजिटिव वाला है यहाँ पर हमें स्विच दे के, यहाँ दूसरा हमें पॉजिटिव का जो आउट वाला है चार्जिंग मॉड्यूल का, यहाँ पर हमें कनेक्शन करना है। और यह अंदर वाला जो वाला जो बी माइनस और बी प्लस है, यहाँ पर हमें बैटरी का कनेक्शन करना है, ठीक है। ये जो रिचार्जेबल बैटरी है यहाँ पर 3.7 बैटरी का, यहाँ पर हमें कनेक्शन करना है, ठीक है। तो मेरा यहाँ स्पीकर कनेक्शन पूरा हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पर लाइट का कनेक्शन करने वाले हैं। देख सकते हैं यहाँ पर प्लस, हम इसे डबल टेप की हेल्प से इसे हम चिपका देंगे बोर्ड में,
और यहाँ पर प्लस को प्लस में और माइनस को माइनस में हम सोल्डिंग कर देंगे। यहाँ पर मेरा एलईडी स्ट्रिप का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपको जला के दिखाते हैं हम, बहुत ब्राइटनेस है, बहुत ही अच्छी लाइट है। आपको यहाँ पर चार्ज करके दिखाते हैं, आप देख सकते हैं। देख सकते हैं रेड लाइट जल रही है, यहाँ पर रेड लाइट चार्ज हो रही है। अब ब्लू लाइट जलने पर मेरा फुल चार्ज हो जाएगा। इसके बाद आपको साउंड टेस्ट करके आपको दिखाते हैं कितना अच्छा साउंड है। इसे आप दीवार का भी लटका सकते हैं, बहुत ही अच्छी लाइट है। ठीक है, यहाँ पर आप साउंड भी सुन सकते हैं। तो देख सकते हो पूरी छत को यहाँ पर लाइट, कितना ब्राइटनेस है दोस्तों, देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी तगड़ा और लाइट है, पूरा घर को एकदम पूरा चकाचौंध कर देगा यहाँ। और इसके बाद आपको हम एक हैंगिंग करके भी आपको दिखाएंगे। और ये मैंने यहाँ पर घर में एक हैंग करके इसे कील गाड़ के इसे लटका दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते लटकाने का भी पीछे जगह दिया हुआ है। देख सकते पूरा घर को एकदम चकाचौंध कर दे रहा है, ये काफ़ी है। आप इसमें दोनों का मज़ा ले सकते हैं, साउंड भी सुन सकते हैं और इसमें लाइट भी आपका ऑन रहेगा। ठीक है फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड।